हेलो दोस्तों, आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेल में आई हुई वैकेंसी के बारे में। गेल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, तो ये भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न कंपनी में से एक है गेल। और इसके अंतर्गत लगभग 220 पोस्ट से अधिक पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली हुई है। इसमें मैनेजर मार्केटिंग कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट के पोस्ट हैं, यहाँ पर सीनियर इंजीनियर के पोस्ट हैं, केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो लगभग सभी ही इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए यहाँ पे पोस्ट आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे केमिस्ट के भी पोस्ट आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग, यहाँ पे देखेंगे कम्युनिकेशन लॉ है ना, लेबोरेटरी ऑफिसर लेबोरेटरी के भी पोस्ट यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सिक्योरिटी और ऑफिसर लैंग्वेज के लिए भी, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पे पोस्ट आमंत्रित किए गए हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों लगभग 220 पोस्ट यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं। इसमें से यहाँ पर देखेंगे अगर मैनेजर मार्केटिंग की, तो यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट आमंत्रित किए गए हैं। उसी तरह ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1, टोटल 4 हो गए। और उसी तरह आपके यहाँ मैनेजर मार्केटिंग इंटरनेशनल एलएनजी एंड शिपिंग के लिए यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट हैं, उसमें 3 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। यहाँ सीनियर इंजीनियर की बात करें केमिकल बैकग्राउंड से, तो यहाँ पे 7 पोस्ट आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 3 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 एसटी एससी और 1 ईडब्ल्यूएस, साथ ही साथ 1 ओबीसी के लिए है। उसी प्रकार और भी यहाँ पे नीचे आएंगे तो सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए लगभग 51 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं, जिसमें 20 जो हैं आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, 5 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पे 14, और यहाँ पे देखेंगे एससी के लिए 8 और एसटी के लिए 4। इस तरीके से टोटल 51 पोस्ट यहाँ पे सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के आए हुए हैं। यहाँ पे सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के, उसी तरह नीचे आएंगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के 3 पोस्ट हैं। उसी प्रकार सिविल इंजीनियर के 15 पोस्ट हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे नीचे 10 पोस्ट हैं सीनियर इंजीनियर के टीसी और टीएम में, बॉयलर ऑपरेशन में 5 पोस्ट हैं। और नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स के भी पोस्ट हैं, जैसे सीनियर ऑफिसर ईडब्ल्यूपी के 3 है, ईएफ एंड एस के 10 पोस्ट हैं, सी एंड पी के 10 पोस्ट हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे सीनियर ऑफिसर के लिए, यहाँ पे सीनियर ऑफिसर के लिए 18 पोस्ट यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे लेबोरेटरी के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट आमंत्रित किए गए हैं। टोटल 22 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बैकलॉग या पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं, 202 पोस्ट के अलावा, 20 पोस्ट के अलावा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी पोस्ट दी हुई है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे पोस्ट का नेम और उसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैनेजर मार्केटिंग कमोडिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीकॉम, और 2 ईयर का एमबीए इसमें मांगा है 65% के साथ। और यहाँ पे देखेंगे ग्रेजुएशन में 60% के साथ, फाइनेंस में आपको 65% कम से कम मांगा गया है। और यहाँ पे 4 ईयर का आपको क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो ये देख लेंगे आप लोग फिल करते हुए अपने क्वालिफिकेशन को।
यहाँ पे और देख सकते हैं सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट के पोस्ट हैं, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री मांगी है सिविल में। नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे सीनियर ऑफिसर ग्रेड E2, और इसके लिए जो सैलरी दी जाएगी 60,000 से 1,80,000 तक आपकी सैलरी होगी। यहाँ सीनियर ऑफिसर लॉ के लिए ग्रेजुएट डिग्री मांगी है, साथ ही साथ LLB मांगा है। यहाँ पे देखेंगे लेबोरेटरी ऑफिसर के लिए यहाँ पे MSc इन केमिस्ट्री मांगा है 60% के साथ, और मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इन लाइन एक्सपीरियंस इन क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि 3 ईयर का आपको यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा हुआ है हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री या ऑयल रिफाइनरी या गैस प्रोसेसिंग प्लांट में या स्टील प्लांट में। यहाँ पे सैलरी के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे E3 के लिए जो सैलरी है पे स्केल उसके बारे में लिखा हुआ है। E3 का देखो 70,000 से 2 लाख, और इनिशियल बेसिक पे आपको 70,000 मिलेगा। उसी तरह E2 के लिए 60 बेसिक पे किया जाएगा, और E1 के कैटेगरी के लिए आपको 50,000 पर मंथ यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में दिया हुआ है दोस्तों, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाएंगे, और जनरल EWS और OBC या नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए 200 पे करना पड़ेगा, जबकि आपको PWD और ST SC के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे इस एग्ज़ाम्स को के फॉर्म को फिल करते हुए। और फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त है, और फॉर्म जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे सात जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं, और 5 जुलाई लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए नेक्स्ट रोज़गार के साथ, धन्यवाद। और ये फॉर्म को आप लोग फिल करिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक महारत्न कंपनी है ये गेल।